हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो हॉलीवुड न्यूज पर होने वाला है, जिसमें सबसे पहले अपडेट की बात करें तो क्रिस पैट स्टारर द टुमरो वर मूवी का ट्रेलर आज ही आने वाला है। जैसे ही ट्रेलर आएगा, इसकी लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर जुलाई 2 से स्ट्रीमिंग होने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स, सोनी की एक्सपेक रूम टूर्नामेंट ऑफ चैंपियन का ट्रेलर भी आज ही आने वाला है। आप में से कितने लोग इन दोनों मूवी के लिए एक्साइटेड है, हमें कमेंट में जरूर बताना। अगली अपडेट है गेम ऑफ थ्रोन स्टारर डियोबाया ओपेराई से रिलेटेड, जो हमें द ग्रे मैन मूवी में दिखने वाले हैं, जिसको अभी हाल ही में कास्ट किया गया है। और फ्रेंड्स, GQI इंडिया की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आई है कि यह मूवी हमें इसी साल देखने को मिलने वाली है। जैसे ही इसकी कोई भी रिलीज डेट कंफर्म होती है, हम आपको तुरंत बता देंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, G5 पर फ्रेंड्स रियूनियन 27 मई को रिलीज होने वाला है। और फ्रेंड्स, IPL से रिलेटेड ये भी अपडेट आई है कि फिर से IPL हमें दुबई में 19 सितंबर से शुरू होता हुआ देखने को मिलने वाला है। और अगली न्यूज है जेरोड कार्मिकल से रिलेटेड, जो हमें मार्क रोफेलो और एमा स्टोन स्टारर पुअर थिंग्स मूवी में देखने को मिलने वाले हैं। और फ्रेंड्स, द CW अपनी हिट सीरीज द 4400 को रिबूट करने वाला है, जिसका फर्स्ट लुक टीजर भी आउट कर दिया है, जिसे अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और जो रिपोर्ट सामने आई है उस अनुसार गेम ऑफ थ्रोन की स्पिन ऑफ भी अभी वर्किंग में है, जिसका टाइटल 10,000 शिप्स होने वाला है। यहाँ तक कि इसके राइटर को भी कंफर्म किया गया है, जिसमें अमांडा सेगिल का नाम सामने आया है। इससे रिगार्डिंग कोई और अपडेट आएगी तो हम आपको तुरंत बता देंगे फ्रेंड्स। अब ट्रेलर और टीजर रिगार्डिंग अपडेट की बात करें तो अनिया टेलर जो स्टारर लास्ट नाइट इन सोहो मूवी का ट्रेलर आउट हो चुका है। इसके अलावा गन पाउडर मिल्क शेक का भी ट्रेलर आउट हो चुका है। और अमेजोन प्राइम वीडियो पर आने वाली डूम सीरीज का ऑफिशियल हिंदी ट्रेलर भी आउट हो चुका है। और सोनिक द हेजहेग का 13th एनिवर्सरी ट्रेलर भी आउट हो चुका है। सारे ट्रेलर और टीजर की लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जाएगी, तो आप वहां पर चेकआउट करना मत भूलिए। अब स्ट्रीमिंग रिलेटेड अपडेट की बात करें तो जेसन स्टेशन तारर एक्शन थ्रिलर मूवी वर्थ ऑफ मैन, जो अभी भाई या फिर रेंट पर अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। इसके अलावा मोर्टल कॉम्बेट मूवी अभी बुक माई शो पर भाई या फिर रेंट पर मल्टीपल लैंग्वेज यानी हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु में अभी अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, कॉस्मिक सीन मूवी अभी लायंस गेट प्ले ऐप पर इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी और कन्नड़ा लैंग्वेज में अवेलेबल है, जिसे चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब आज की लास्ट और हिंदी डब स्ट्रीमिंग रिलेटेड अपडेट की बात करें तो साउंड एंड विजन, जो नेटफ्लिक्स के लिए हिंदी डब कंप्लीट करता है, उन्होंने कंफर्म किया है कि इलाइट वेब सीरीज का हिंदी डब कंप्लीट होने वाला है और इसका ट्रेलर हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इलाइट वेब सीरीज कंप्लीट पैकेज है टीन ड्रामा वेब सीरीज का, जिसे अगर आपने नहीं देखा है तो ये वेब सीरीज मस्ट वॉच वेब सीरीज में है। इसके ट्रेलर की लिंक भी आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जाएगी, तो मिस मत करना गाइस। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक का था। अगर आप हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और अपने दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर की लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जाएगी, तो आप वहां पर चेकआउट करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम वहां पर आपको डेली हॉलीवुड, बॉलीवुड और साउथ से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज देते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।